14 मिनट है मेरे पास। मर्यादा पुरुषोत्तम को 14 वर्ष का वनवास मिला था, इकबाल के इमाम हिंद। मेरी माँ ने एक फेसबुक पोस्ट लिखा सर बजट के बाद, और उन्होंने वो लिखा उसमें, पिया भले मजदूर परवल बेचे जेबई भागलपुर। मैं क्यों कह रहा हूं सर, बिहार से आता हूं, बिहार को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सर विशेष राज्य का दर्जा जब बिहार कहता है, आप 5 ट्रिलियन नहीं 20 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी हो जाइए, लेकिन अगर बिहार को आप मुकम्मल प्रगति के रास्ते पर नहीं ले जाएंगे ना सर, तो वो आपके अंग में एक सड़ांध पैदा करेगा, विकास की गंध अच्छी नहीं लगेगी। क्यों ये चुप्पी है बिहार को लेकर के, ना जाने। मेरा तो सीधे तौर पर मानना है कि किसी भी पैरामीटर पर देख लीजिए, आप तो खुद माननीय उपसभापति महोदय, आप बिहार के हालात से वाकिफ हैं। क्या बिहार जब स्पेशल स्टेटस मांगता है तो क्या ये खैरात है? क्या हम बेगिंग बोल लेके जा रहे हैं? हम अपना हक मान रहे हैं, क्योंकि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म सिर्फ एक नारा नहीं हो सकता, ये जुमला नहीं हो सकता। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को अगर जमीन पे उतारना है तो बिहार जैसे राज्यों को आप स्पेशल स्टेटस दीजिए। मंत्री साहिबा है नहीं, मैं उनसे तो सीधे दरखास्त करता, प्रधानमंत्री जी से अपील कर रहा हूं कि अगर बिहार प्रगति नहीं करे सर, 4 मिनट है, मैं भी देख रहा हूं। आप अपना काम सर, आपकी नजर उधर जाती है, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं। यहां बैठे बैठे हर तरफ जाती है, आप पर भी जा रही है सर। तो ये बिहार को लेकर के मैं ये बात कह रहा था सर। एक और चीज इससे पहले कि 2-3 बिंदुओं पे, पॉल मैसन की किताब है पोस्ट कैपिटलिज्म गाइड टू फ्यूचर। मैं माननीय एमओएस फिनेंस और माननीय फिनेंस मिनिस्टर साहिबा दोनों को ये किताब मैं अमेजोन से डिलीवरी से भिजवा दूंगा सर, एक बार पढ़िए सर, एक बार पढ़िए। 2008 में कई मुल्कों को देखिए कि वहां क्या हो रहा है। ये जो नव उदारवाद का सर की चकाचौंध होती है ना सर, ये रात कर देती है दिन में। जेट एयरवेज विलीन हो गया, कहीं नहीं दिख रहा है। हम सब जेट एयरवेज में टिकट ढूंढते थे, खाना बढ़िया मिलता है, क्या हो गया सर? नव उदारवाद कंपनियों को खा जाता है, सिर्फ कंपनियों को नहीं खाता, इंप्लॉयज को खा जाता है, आपकी अर्थव्यवस्था को खा जाता है। हम क्यों गुलाम बने हुए हैं? तो 2008 में सर लंडन टाइम्स ने एक चीज लिखी, मार्क्सिस बैक। मैं मार्क्सिस्ट उस रूप में नहीं हूं सर, पार्टी फॉर्मेशन में नहीं, लेकिन मेरा हमेशा मानना है कि जो दिल से राजनीति करे ना वो वामपंथी होता है, क्योंकि दिल बाएं में होता है, लेफ्ट साइड में। तो सबको थोड़ा बहुत होना चाहिए सर। मैं इसलिए कह रहा हूं, कई दुनिया के देश स्ट्रगल कर रहे हैं, न्यू लिबरलिज्म की बेसिक फिलॉसफी है सर, एक्यूमुलेशन बाय डिस्पोजिशन। हैव वी डिसाइडेड टू अग्री टू अ फेनोमेना दैट एक्यूमुलेट वॉट एवर यू विश टू डू, हाउ एवर यू विश टू डू, आई एम विथ यू। गवर्नमेंट्स आर नॉट चोजन फॉर दैट, यू हैव नॉट बीन चोजन टू टेक केयर ऑफ द 5 आइलैंड्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी, यू हैव बीन चोजन टू प्रोवाइड रिलीफ टू पुअर। अरे अगर गरीबी नहीं खत्म कर सकते तो अमीरी को बांट दो, थोड़ी अमीरी बटे, थोड़े उन लोगों तक बात जाए। तो सर पॉल मैसन वाली किताब मेरा कमिटमेंट है, आप लोगों से भिजवा दूंगा सर। आखिरी टिप्पणी करूंगा, उसमें टाइम खत्म हो जाएगा, बच जाए तो आज हमको अगला दिन दे दीजिएगा कुछ। आखिरी टिप्पणी सर, कोई कोर सेक्टर ले लीजिए आप, एम्प्लॉयमेंट का डेटा आपको भी अलार्मिंग लगता होगा। क्या सरकार को नहीं लग रहा अलार्मिंग? सरकार को भी लग रहा, लेकिन आपके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे कैटर करेंगे। अगर मैं सेक्टरली देखूं, SC ST OBC उनके स्कॉलरशिप की बात करूं, मनरेगा के बारे में मेरे सारे दोस्त कह चुके हैं सर। एक चीज बहुत चर्चा हुई, मैं लाइटर वेन में कहूंगा सर, एक मिनट में खत्म कर दूंगा प्रॉम्प्ट सर, आपने कई को 2-2, 3-3 मिनट ज्यादा दिए, आप खत्म करें सर। मैं ये कह रहा था, उस दिन बजट के पूर्व माननीय एमओएस थे, माननीय फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा थी, तो वो लाल रंग के बही खाते की बड़ी चर्चा हुई सर। बजट से ज्यादा उस बही खाते की चर्चा हुई, कई लोगों ने कहा आजाद हो गए सर। पता नहीं किन किन चीजों से आजाद हुए और किन किन चीजों से आजाद होना है सर। वो जो लाल रंग का बही खाता है ना, मुझे प्रेमचंद की कहानियां याद आ गई सर। सर मुझे तो लाल ही दिखा, प्लीज मैं कृपया सर, मैं लाल ही देखना चाहूंगा। हाँ आप खत्म हो गया, बताए सर थोड़ा तो खत्म हो गया सर। एक मिनट सर, अब हम पे बहुत टाइट रहते हैं
कुल यहाँ साहब कुल 43 वक्ता है, आज अपनी बहस ये खत्म होनी है। मैं आप सबसे समय का पालन का आग्रह इसलिए कर रहा हूँ कि रात आप कब तक बैठेंगे वो तय कर। सर मैं ये कह रहा हूँ, ये जो लाल रंग का बही खाता है ना, ये डराता भी है बहुत। सर आप प्रेमचंद की कहानियों को पढ़े होंगे, जब साहूकार बही खाता खोलता था तो कमरू डर से कांपने लगता था कि न जाने क्या निकलेगा उसमें। मैंने इसी सदन में कहा था कि किसान हमारे पॉलिटिकल मैनिफेस्टो का एक ऐसा हिस्सा है जिसकी चर्चा चुनाव के दौरान गाय बगाए होती है, लेकिन मैनिफेस्टो से जो सबसे पहला पन्ना गायब होता है वो किसान और किसानी का है। सर तो ऐसे आप, मैं तो कई सदस्य कह चुके हैं, हम ये नहीं कहना चाहते, आपने चुनाव जीता है, आपके पास मैंडेट है। अगर आपका मैंडेट हाशिए के समूहों किसानों की जिंदगी में बेहतरी नहीं ला पाए, अभी चर्चा हो रही है एग्रीकल्चर में, कह रहे हैं जीरो बजट ZBNF। सर मैंने कई अर्थशास्त्रियों से भी बात की, सुहाना लग, सुनने में अच्छा लगता है सर, लेकिन क्या जीरो बजट का मतलब जीरो इनपुट भी होगा? कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है सर। क्योंकि मैं तो लगातार इसी सदन में मैंने कहा था, ये नज थ्योरी पे इस बार मैंने बड़ा जोर देखा है, नज थ्योरी। सर दुनिया के देशों में नज थ्योरी डिस्कार्ड की जा रही है, अब ये जो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का मामला है लोग डिस्कार्ड कर रहे हैं, हम उतरन पहन रहे हैं विदेशों की उतारे हुए कपड़े, और नज थ्योरी के माध्यम से आप क्या करना चाहेंगे? किसान को कहेंगे कि ये फसल लगाओ, मसलन दलहन लगाओ, MSP का आपका वही खेल, बिचौलियों का तंत्र हावी, 7-8% लोग मात्र MSP के प्रोक्योरमेंट हो पा रहा है। सर मैं रिमाइंड कराना चाहता हूं इस सदन को, 1875 में विनय सहस्रबुद्धे जी यहां हैं, डेक्कन में पूरा रिवोल्ट हुआ था पेजेंट का सर, मई जून के महीने में संभवतः 1875 में। जानते हैं सर क्यों हुआ था? वो इसलिए हुआ था कि उस दौर में भी वैश्विक इकोनॉमी से इसको जोड़ा गया था, और वैश्विक इकोनॉमी के अर्थतंत्र के हिंसक उभार के लिए सेफ्टी नेट नहीं था सर। आज भी हमारे पास बाजारीकृत अर्थव्यवस्था जिसने लगभग पंगु सा बना दिया है हमारे हाशिए के समाज और समूहों को, उसके लिए हमारे पास कोई सेफ्टी नहीं, नेट नहीं है सर। स्टोरेज प्रोक्योरमेंट, इसके बारे में कई बार इस सदन में चर्चा हुई सर, मैं उस पर 5 तारीख को फ्राइडे थी सर, बजट के जब शुरुआती अंश मैंने पढ़े तो मैंने 80 के दशक में जब हम लोग छात्र थे तो एक फिल्म देखी थी फ्राइडे द 13th, हॉरर मूवी थी सर, हॉरर मूवी थी वो। तो बजट हॉरर मूवी नहीं लगना चाहिए, बजट से सुकून मिलना चाहिए लगे। सर असल में अर्थशास्त्र का छात्र नहीं हूं, इकोनॉमिक्स 10th 12th तक ही पढ़ी। बड़ी चर्चा हुई कि हमारी मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने ग्लास सीलिंग तोड़ी है, मैं मानता हूं, कॉम्प्लीमेंट करता हूं, लेकिन मेरा यह भी कहना है सर, इट इज नॉट द ओनली सीलिंग वी हैव हंड्रेड्स ऑफ सीलिंग्स। सर हमारे अपने चश्मे से कृषक नहीं दिखता, जैसा मैंने कहा कोई इनफॉर्मल इकोनॉमी में जो ब्लीडिंग इमेजेस हैं उसकी ओर हम नहीं देख रहे हैं सर। डीमोनेटाइजेशन ने क्या नुकसान किया और उसकी भरपाई कैसे कर पाएंगे आप, आपकी बजट में उस पर चुप्पी है सर। बजट का मतलब सिर्फ 5 क्रोनी पूंजीपतियों की पैरोकारी करना नहीं होता, बजट का मतलब होता है कि मध्यम आय वर्ग, निम्न आय वर्ग और निम्न वर्गों के पास आपके बजट का संदेश क्या जा रहा है। मैं माफी के साथ कहना चाहता हूं कि आपके बजट का संदेश यह जा रहा है कि आप शमशान में विवाह के गीत गा रहे हैं, शमशान में विवाह के गीत गा रहे हैं। सर एक एक सर एक छोटी चीज पढ़ना चाहता हूं, इसी सदन में 74 में लोकसभा में मैं बड़ा मुरीद हूं इनका सर, प्रोफेसर हीरेन मुखर्जी, इन्होंने कहा द फाइनेंस मिनिस्टर शुड नो शुड ऑल्सो बी वॉन्ट दैट द कंटिन्यूड रिलायंस ऑन फॉरेन एड बोरोइंग्स अबव ऑल फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स इज अ रोड टू रिकॉलोनाइजेशन, इज अ रोड टू रिकॉलोनाइजेशन। एंड देन ही कोटेड अ बुक बाय टिबोर मेंडे व्हिच इज द टाइटल ऑफ द बुक वाज एड टू रिकॉलोनाइजेशन। सर एक और पढ़ना चाहता हूं, प्रोफेसर हीरेन मुखर्जी, मैं पैराफ्रेज करता हूं सर इनको, मैं सीधे कोट नहीं करूंगा, प्रोफेसर मुखर्जी से
एसेंट इन पॉलिटिक्स एंड डिसेंट इन पॉलिटिक्स आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। आपका अभी असेंडिंग फेज चल रहा है, लेकिन अगर लोगों की नजर से दूर हो गए, लोगों को बजट में कुछ नहीं लगा, तो कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी तेरा दर कभी दर बदर। तो बजट आपका ऐसा हो, और ये प्रोफेसर हीरेन मुखर्जी ने कहा था सर, मैं सिर्फ भावानुवाद कर रहा हूं, 74 में इंदिरा जी की सरकार के लिए कहा था, आप पर लागू होता है मेजॉरिटी से। मैंने कई तीसरी बार बोलूंगा, लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी को मॉरल मेजॉरिटी समझिए, तब जाकर के बात बनेगी। सर आखिरी टिप्पणी, सर आखिरी टिप्पणी, अगर इस बजट के बारे में पूछना है ना, सर धूमिल की एक छोटी सी कविता पढ़ने दीजिए। धूमिल, धूमिल शब्द किस तरह कविता बनते हैं, इसे देखो अक्षरों के बीच में गिरे हुए आदमी को। क्या तुमने सुना कि ये लोहे की आवाज है या मिट्टी में गिरे हुए खून का रंग? और अगर लोहे का स्वाद पूछना है तो लोहार से मत पूछो, घोड़े से पूछो जिसके लगाम लगा हुआ है। ये मेरी बजट के बारे में।